नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। गमे हुसैन, आज कौम इतनी बेबस लाचार हो गई है कि खुलकर हुसैन का गम नहीं मना सके। आज अपने घरों में जगह जगह मजलिसें हो रही हैं, लेकिन जो गम, जो मातम, जो गिरिया इमाम बारगाह में होता था, वे गम आज नहीं हो पा रहा है। तन्हा घर में दो चार लोग बैठकर इमाम हुसैन की अज़ादारी कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं और उस परवरदिगार से रो रो कर दुआएं कर रहे हैं कि ऐ परवरदिगार, इस कोरोना महामारी से दुनिया को निजात दिला दे, ख़त्म कर दे इस कोरोना बीमारी को। बस हर अज़ादार, हर मजलिस में यही रो रो कर दुआएं मांगी जा रही हैं, क्योंकि ज़िंदगी में शायद ही पहली बार ऐसा देखने में आया है कि ना तो इमाम बारगाह में मजलिस हो पा रही है और ना ही अलम व जुलूस बरामद हो पा रहे हैं। वैसे तो घर घर में अज़ादारी की गूंज सुनाई दे रही है। हर शिया वे इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला उनकी यादों में मजलिस कर रहा है, उनके जुल्मों सितम पर आंसू बहा रहा है। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम को बचाने के लिए एक जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपना परिवार और तमाम सदस्यों को इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी औरतों के सिरों की चादर भी छीनवा दी। और हद ये है कि 6 महीने का बच्चा जिसका नाम अली असगर था, उसको भी जालिमों ने तीर मारकर शहीद कर दिया। तीर भी ऐसा जो इस बच्चे के वजूद से दुगना बड़ा था, जिससे उस बच्चे को शहीद किया गया। बस आज अफसोस यही है कि हम कोरोना महामारी के कारण उसका जिक्र खुलकर नहीं कर सके और ना ही कोई अलम बरामद हुआ और ना ही जुलूस निकल सका। बस अब तो हर्षिया की यही तमन्ना है कि परवरदिगार बस अगले साल तक हमें जिंदा रखना, ताकि इस साल का गम हम अगले साल खुलकर मना सकें, इमाम हुसैन की शहादत पर आंसू बहा सकें, इमाम बारगाह में मातम कर सकें, मजलिस कर सकें। कैमरामैन अब्बास काजमी के साथ इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। वाला हुसैन है, उसके लबों को छूने को पानी तरस गया, उसके लबों को छूने को पानी तरस गया। ये कौन कह रहा है कि ऐसा हुसैन है? वाह वाह माशाल्लाह, मिलकर बनाए हे सीद। ये नून तो शायर ने कहा, हक को सलाम जियो यकीनो नमाज को, हक को सलाम जियो यकीनो नमाज को। यकजा अगर करे तो नतीजा हुसैन है, यकजा अगर करे तो नतीजा हुसैन है। दुनिया में जो मुहिब शहर मशरकैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। दुनिया में जो मुहिब शहर मशरकैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। لعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی دائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلى محمد آج ماشاءاللہ چوتھا دن ہے اطاعت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ارشاد رب العزت ہوا ہے اے صاحبان ایمان یا ایہا الذین آمنوا ایسا ایمان لانے والو اے صاحبان ایمان اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیع الرسول واولی الامر منکم اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے تو اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ اطاعت دو مرتبہ کیوں استعمال کیا گیا لیکن اللہ نے اولی الامر کے تقرر سے پہلے اولی الامر کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ نے اولی الامر کے تقرر سے پہلے دین مکمل نہیں کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
उली अमर का तकर्रुर कर लिया, सलवात भेजिए मोहम्मद। जब उली अमर का तकर्रुर कर लिया उसके बाद में आवाज परवरदिगार आई, निदाए परवरदिगार आई, एहकाम परवरदिगार आया, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। तो उलिल अम्र की अहमियत है, उलिल अम्र की ये फजीलत है कि इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं हुआ। उलिल अम्र वो साहिबान अम्र हैं जिनके लिए हम सूरह इन्ना अंज़लनाहु में, सूरह कद्र में पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फ़शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र। तमाम अरवाह मोमिनीन और मलाइका का ज़हूर होता है इस रात में, शबे कद्र में। और क्या होता है कि वो उलील अम्र के पास, साहिबान अम्र के पास आती हैं और सलामती के लिए दुआ करती हैं लैलतुल क़द्र मिन फज्र तक, सुबह तक। तो अब सवाल ये है कि उलील अम्र वो है जिसके पास मलाइका का आना जाना रहता है, उलील अम्र वो है कि जिसके पास इनके हदीस किस्सा होगी, ये हदीस किस्सा में क्या वाकयात हुए हैं। और अगर किसी के याद नहीं तो जब मैं बात करूंगा तो वो जहन में फौरन आ जाएगी। हदीस किस्सा में ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा से, जनाब फातिमा से रिवायत है कि मेरे बाबा मेरे घर आए और आने के बाद में कहा कि ऐ बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूँ। मैं चादर ले आई, चादर लाने के बाद में मैंने बाबा को दिया, बाबा के ऊपर चादर डाली, बाबा लेट गए। अभी कुछ साथ गुजरी थी कि मेरा बेटा हसन आया, आने के बाद में उसने कहा या माँ हो ए मेरी माँ, इन्नी अशुमो राय हतन तय वतन का नहा राय हतु जद्दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरी वालदा माजदा, ए मेरी मादर गरामी, मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ अपने जद्दे अमजद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब फातिमा ने कहा कि हाँ चादर के नीचे हैं, इमाम हसन चादर के नीचे चले गए। उसके बाद में इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन ने आने के बाद में कहा या माऊ इन यशुमु राय हतन, वही जुमले बिल्कुल, मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ अपने जद की। आपने कहा कि हाँ तुम्हारे नाना और तुम्हारा भाई चादर के नीचे है। इमाम हुसैन ने नहीं कहा कि भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ ये जुमले हैं कि अपने जद्द अमजद की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जनाब फातिमा ने कहा कि हाँ तुम्हारा भाई और तुम्हारे नाना चादर के नीचे हैं। उसके बाद में हजरत अली आए, आपने आने के बाद में कहा कि मैं या फातिमा इन ये शुमराय हजर पे तो ये वतन का नहाया है तू अखी व अपनी अम्मी, मैं अपने भाई की और अपने चचादाद भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने भी कहा हसन हुसैन की खुशबू महसूस कर रहा। जनाब फातिमा ने कहा कि हाँ तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे भाई इस चादर के नीचे हैं। अब वो चादर के नीचे चले गए। जनाब फातिमा कह रही हैं उसके बाद में सुम्मा तय तू ना बल्कि साहब मैं चादर के नीचे चली गई, मैंने कहा बाबा जान आ जाऊँ। अब मुझे एक बात ये बताइए कि रसूल बीमार, ज़ौफ़ का मतलब कमज़ोरी, कमज़ोरी एक बीमारी की अलामत है कि कमज़ोर बीमार, अब वहाँ से आने के बाद में कोई कमज़ोर आदमी आराम करने के लिए बिस्तर में जाना चाहे और उसके बाद में उसको एक तरीके से परेशान ही कहा जाएगा कि बच्चे आने के बाद में गए कि हम भी चादर के नीचे जा रहे हैं, उन्हें इजाज़त मिल जाए, दूसरा फिर आए वो जाए, तीसरा फिर आए वो जाए, चौथी वो भी जाए जिन्होंने चादर ला के दी। पहली बात तो यह कि वो चादर कैसी थी जिसमें इतने आदमी समा गए, और फिर जब जाए तो ये तकाजाए तीमारदारी नहीं है कि किसी बीमार के पास में इस तरह जाने दिया जाए कि जाओ, बल्कि क्या है कि वो अल्लाह का इंतज़ाम था। अब क्या इंतज़ाम था, एक मिसाल मैं देता चलूँ। अभी जैसे लाइट भागी तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ इन्वर्टर था, बैटरा था, बैटरी नहीं, लाइट की कमी पूरी कर दी। अब जब
बैटरा एक घंटे दो घंटे चला तो जितनी लाइट इसके अंदर थी सब खत्म हो गई। अब इसने लाइट की कमी पूरी की, लेकिन जब लाइट आई तो इसको चार्ज होने के लिए उसी लाइट की जरूरत। अब नबी करीम है नूरानी। अब देखिए हमारी तखलीक अनासिर अरबा से बहुत लतीफ गोशा है, बस तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की। हमारी तखलीक अनासिर अरबा से है। अनासिर अरबा चार अंसर, आग पानी हवा मिट्टी। अगर हमें हमारे जिस्म में खुदा ना करे बुखार है और किसी ठंड की वजह से है, किसी लू लगने की वजह से है, तो उसका इलाज उसकी जिद से होगा। यानी अब लू लगी, बुखार हो गया उसकी जिद से, लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि बुखार हुआ, पानी की खुदा ना करे कमी हो गई। अब ये अनासिर अरबा से बनाया हुआ जिसमें जब पानी की कमी हो गई तो उसको पानी ही पूरी करेगा। अब ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा पानी के लिए। अब अगर गर्मी की कमी है, ठंड लग गई, तो अब क्या किया जाएगा कि लिहाफ डालो, बिस्तर डालो, गर्म दवाई दो, हीटर जलाओ, अंगीठी जलाओ, इसको हरारत दो, क्योंकि अंदर इसके गर्मी की कमी हो गई, ठंड लग गई, अब हरारत की जरूरत महसूस होगी। अगर जिस्म में बॉडी में मिट्टी में कोई ख़राबी है तो डॉक्टर ये कहेंगे फौरी तौर पे सबसे पहले अब किसी के खुदा ना खास्ता कोई करंट लग जाए। अब जब जिस्म में करंट दौड़ रहा है, मिट्टी में कुछ खराबी आ गई, तो सबसे पहले डॉक्टर ये काम करेगा कि पैर से जूते उतारने के बाद में उसे नंगे पैर पड़ाएगा, चलाएगा कि ये जो ज़मीन है तुम्हारा ताल्लुक इस मिट्टी से है, अब जब ये मिट्टी मिट्टी से टकराएगी तब ये करंट ख़त्म होगा। और उसको झटके लगेंगे, बहुत झटके लगेंगे, लेकिन वो करंट उसी से जा सकता है। हवा, अगर किसी के अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अब क्या होगा कि उसे मस्नूई हवा दी जाएगी। यानी जिस्म में जिस चीज़ की कमी होती है तो तिब्बी तरीका ये है कि वही चीज़ दी जाती है। अब नबी करीम थे नूरानी, अब ज़ोफ़ महसूस किया नूर ने, अब ये बैटरा जब डिस्चार्ज हुआ इसमें नूर की कमी हुई, रोशनी की कमी हुई, तो अब ज़रूरत थी कि एक नूर और आए जो इसे नूर दे, एक नूर और आए जो इसे नूर दे। अब रसूल लेटे, ये नूर आया, अब इस नूर ने इसे नूर को चार्ज करना शुरू किया। अब जब अल्लाह ने देखा कि ये कमी इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, तो वो नूर जो इसका एक और हिस्सा था दूसरे को भेजा, दूसरे ने इसे चार्ज किया, फिर तीसरे को भेजा, तीसरे ने इसे चार्ज किया, फिर चौथे को भेजा, अब चौथे ने चार्ज किया। अब जब ये मुकम्मल चार्ज हो गया तो उसके बाद में फरिश्ते अर्श पे ये कहते हुए नजर आए, या रब्बे वमन तहतल के साए, ये पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है? इतना खतरनाक नूर हुआ, ऐसा चार्ज हुआ कि फरिश्ते घबरा गए। अब फरिश्ता झूठ तो बोलता नहीं, अगर झूठ बोलता इस्मत साफ फिर मासूम नहीं रहा, झूठ बोलने वाला मासूम नहीं होता, और फरिश्ता है मासूम, झूठ तो बोलता नहीं, अगर झूठ बोलता तो इस्मत खत्म हो जाती। तो इसका मतलब यह है कि फरिश्ते पहचान नहीं पाए। अब मैं कहूँ जिब्रील नहीं पहचाने, अरे ये वो बच्चे हैं जिनको झूला तुमने झुलाया है फिर भी नहीं पहचान रहे, ये वो अली है जिनके लिए तुमने पर बिछाए थे कि क्या कह के आए थे, तलवार ले के आए, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला दुल फखार। ये नबी वो है कि जिनके दरवाजे पे 24 घंटे तुम वही ले के आते थे। ये फातिमा वो है जिसके लिए चक्की है तुमने पीसी, बैठ के मुआविन बने, घर घर के काम निपटाए, फिर नहीं पहचाने। कहा कि मैंने इन सबको अलग अलग देखा, कभी एक साथ एक मकाम पे नहीं देखा। जब एक मकाम पे देखा तो मैं घबरा गया, मैं इस दिमाग मेरा परेशान हो गया कि ये कौन है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। तब अल्लाह ने कहा कि हम फातिमतु व अबूहा व बालूहा व बनूहा। तो ये है नूर। अब बताइए नूर में कोई कमी रह गई? अब ये नूर जब एक रुखसत होता है तो दूसरे नूर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जगह ले। तो इसीलिए अल्लाह ने जब तक खुदा ने उली लम्र का ऐलान नहीं सुना तब तक दीन के मुकम्मल होने की सनद नहीं दी। बारह टाइम भी ज़्यादा हो गया, 10:30 बज चुके, तो मेरा इनसे वादा ऐसा कि भाई आठ घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 35 मिनट 35 पढ़ूंगा और मसाइल भी चाहिएंगे। तो अब जब ये नूर रुखसत हुआ तो उली लम्र के लिए ज़रूरी था कि कोई अपना जानशीन छोड़ के जाए। अच्छा एक बात और ज़रा सी वजाहत करता चलूं कि जानशीन अगर रसूल के समझे जाएं तो जिसका जो शख्स होता है असल
जानशीन बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि मैं आपका जानशीन तय कर दूं, एक तय कर दिया उसके बाद में जब दूसरा बनेगा तो वो उस दूसरे का जानशीन कहलाया जाएगा, आपका नहीं कहलाया जाएगा। अगर एक पहलवान दुनिया से रुखसत हुआ तो अब जब दूसरा पहलवान जानशीन हो गया तो बेशक उसका हो गया, उसने अपनी जिंदगी में वसीयतें कर दी या आपने उसके औसाफ देखने के बाद में कहा, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो वो फिर उसका जानशीन होगा जिसने उसे जानशीन बनाया। एक लफ्ज का बढ़ जाएगा बीच में। तो अब यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर किसी को जानशीन तसव्वुर भी किया जाए कि चलिए हो गए, उसके बाद में भी कल इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी कि कैसे हुए, कहाँ से बनाया, किसने किया, और जो अलामात पेश की जाती हैं क्या वो अलामात कुरान के मुताबिक हैं, कल इंशाल्लाह इस पे बात होगी। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान शुरू में किया कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, जिनमें पहला भी मोहम्मद होगा, बीच का भी मोहम्मद होगा, आखिर का भी मोहम्मद होगा, और कुल के कुल मोहम्मद होंगे। अब कोई गुंजाइश किसी के पास नहीं है, वरना एक किसी की जानशीन को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने अलावा किसी दूसरे का जानशीन मुंतखब कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में मौलाए कायनात के बाद में इमाम हसन, और इमाम हसन के बाद में जब इमाम हुसैन का नंबर आया तो यजीद को खतरे में नजर आया मामला, कि अगर हुसैन रहे तेरे सामने तो वो दिन आ जाएगा कि तेरी खिलाफत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद बेशक तू बादशाह है, बादशाह हो या इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये जो तूने मसनद रसूल बिछा के खिलाफत का ऐलान किया है, इस मसनद के असल वारिस हम हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम तेरी जो है बात को बिल्कुल तस्लीम ना करें, क्योंकि तू हराम मोहम्मदी को हलाल और हलाल मोहम्मदी को हराम करार दे रहा है। तर्क वतन किया, जनाब मुस्लिम को भेजा सफीर बना के कूफे में, जनाब मुस्लिम शहीद कर दिए गए। तो हाँ जी, तो आज का दिन जनाब मुस्लिम के बच्चों से भी मंसूब है, जहाँ हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम की भी वफात का दिन है, वहाँ मुस्लिम के बच्चों से भी मंसूब। हजरत मुस्लिम के बच्चों की बेबसी पे अगर गौर करोगे उसके लिए तसव्वुर शर्त होगा कि दो छोटे छोटे बच्चे, और इतने छोटे कि जिस वक्त इनको पकड़ के ले गए तो दोनों बच्चों को दोनों हाथों से बाल पकड़ने के बाद में इस तरह से उठा के ले गया, इतने छोटे बच्चे, और परदेश का आलम। अब परदेश क्या है कि परदेश इतनी खतरनाक चीज़ है कि खुदावंद करीम को परदेसी पे इतना रहम आया कि उसने रोज़ा भी साबित कर दिया और नमाज भी 4 रकत के बजाय 2 रकत कर दिया। तो ये वो मासूम बच्चे जिनको ये खबर मिली कूफे में, जनाब मुस्लिम किसी शख्स के पास में छोड़ के चले गए, शरिया नाम था उनका काजी का, जिनके पास छोड़ गए। तो जब शरिया ने ये बताया कि बेटे इनके सर पे आने के बाद में हाथ फेरा, इनको अपने गले से लगाया, तो इन दोनों बच्चों ने घबरा के कहा कि शरिया आज क्या खास बात है कि तुम हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो कि हमें कुछ खतरा लाहक हो रहा है। उधर जनाब मुस्लिम की बच्ची ने कहा कि मेरे सर पे आपने इस तरह हाथ फेरा जैसे यतीम बच्चों के सर पे फेरा जाता। इधर इन बच्चों ने भी यही जुमले कहे कि तुम इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत से हमारे ऊपर हाथ फेर रहे हो कि हमें खतरा लाहक हो रहा है। हाजी तो ये सुनना था कि काजी शरिया रो पड़े, और रोने के बाद में कहा कि बेटा क्या बताऊँ, तुम्हारे बाबा शहीद कर दिए गए और इब्ने ज़ियाद ने इतना इनाम रख दिया है कि तुम्हें ढूंढने के लिए बच्चा बच्चा कूफे का लगा हुआ है कि वो इनाम से माला।
कब होगा, ज़हूर कब होगा, ज़हूर कब होगा, ज़हूर कब होगा, ज़हूर कब होगा, खबर तो दो, खबर तो दो, खबर तो दो मेरे मौला, ज़हूर कब होगा, खबर तो दो, खबर तो दो मेरे मौला, ज़हूर कब होगा, अंधेरी दुनिया में रोशनी ये नूर कब होगा, खबर तो दो, खबर तो दो, खबर तो दो मेरे मौला, ज़हूर कब होगा, तड़प रहे हैं इस हसरत में आज हम मौला, खुदा के वास्ते अब कीजिए करम मौला, ये हाल है कि निकलता है अपना तुम मौला, जबीन ढूंढती है आपके कदम मौला, खबर तो दो, खबर तो दो, खबर तो दो मेरे मौला, ज़हूर कब होगा, अंधेरी दुनिया में रोशन ये नूर कब होगा, खबर तो दो, खबर तो दो, खबर तो दो मेरे मौला, पहुंचे समंदरों में फिरे हैं जहान तक पहुंचे, निशान है जो तेरी उस निशान तक पहुंचे, खबर तो दो, खबर तो दो, खबर तो दो मेरे मौला, ज़हूर कब होगा, अंधेरी दुनिया में रोशन ये नूर कब होगा, खबर तो दो, खबर तो दो, खबर तो दो मेरे मौला, ज़हूर कब होगा, गई है दर से दबे पांव ग़ैबते सुग़रा, उसी तरीके से रुख़्सत हो ग़ैबते कुबरा, तुम्हारी जीत की सूरत यही है अब मौला, ज़माना देखे इमामत का, मेरे से गिर रहा है नन्ना सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा, मेरे हाथ तो बंधे है, सर किस तरह उठा, तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है, तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, आज घर में तेरी मां, तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, घर में ढूंढती है तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, हंस घर में तेरी मां।